डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगा, वही अमेरिका में। अमेरिका जा रहा है? मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा? कब रिलीज होने जा रही है लाल सिंह चड्ढा? क्या आमिर का डिवोर्स एक दिखावा है? शूटिंग क्यों अभी अधूरी है और कौन से कर्जे में है मूवी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा पिक टाइम पर चल रही है, शूट के भी और रिलीज के भी। बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान इसमें नजर आएंगी और शायद ही ये ऐसा हुआ होगा जब बेबो ने कोई फ्लॉप फिल्म दी हो। फिलहाल करीना लाल सिंह चड्ढा की प्रमोशन और शूटिंग में बिजी है, लेकिन अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने जमकर अपने कोस्टार यानी कि आमिर की तारीफें की। उन्होंने कहा कि आमिर ने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की है लाल सिंह चड्ढा के सेट पर, डिस्पाइट डिवोर्स, आमिर खान को इंजरी भी हो गई थी उनके पैरों पर। इतना ही नहीं, जब करीना प्रेग्नेंट थी, मूवी का शूट आमिर करीना के लिए लाते थे चटपटी चीज़ें। उस टाइम कोरोना ने सिर्फ आम जनता का बुरा हाल नहीं किया बल्कि फिल्म इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचाया और अब तक भरपाई कर रहे हैं फिल्म मेकर्स। आपको बता दें, लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग सिर्फ कोरोना की वजह से ही नहीं बल्कि करीना की प्रेगनेंसी की वजह से भी रुकी थी और इस वजह से लाल सिंह चड्ढा के सेट को दो बार फिर से बनाना पड़ा। मतलब एक बार कोरोना के चलते सेट हो गया था पूरी तरह से ख़राब और दूसरी बार करीना की प्रेगनेंसी हॉलीडे में सेट पर उनको तोड़ना पड़ा। फिल्म मेकर ने सेट तो दो बार बनाया था, सेट फिर से बनाने का खर्चा, अपने क्रू मेंबर्स को इनकम देने का खर्चा भारी पड़ गया था प्रोड्यूसर्स पर। मूवी का बजट उनकी सोच से कहीं ज़्यादा हो गया था, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हुआ, फिल्म मेकर्स लोन लेने पे मजबूर हो गए। और आपको पता ही होगा कि आमिर खान का डिवोर्स हुआ, इस बीच खबरें आ रही थी कि लाल सिंह चड्ढा हॉट टॉपिक रखने के लिए आमिर ये सब कर रहे हैं और अपना डिवोर्स कर रहे हैं ताकि मूवी को पॉपुलैरिटी मिल पाए, ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा देखे, इससे उनका कर्जा जो है वो बहुत जल्दी उतर जाएगा। लेकिन आपको बता दें, ये कोई खेल नहीं, सच में आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा मूवी के प्रोड्यूसर मतलब कि उनकी बीवी को डिवोर्स दे दिया। साथ ही बता दें कि लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग की जर्नी काफ़ी चैलेंजिंग रही, इतने रोक टोक और इतनी परेशानियों के बाद शूट किया गया। ट्रोलर्स ने भी जमकर ट्रोल किया फिल्म को, ट्रोलर्स ने मोस्टली मूवी में आए गैप की, आमिर खान की डिवोर्स की बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की। अब देखना होगा ट्रोलिंग का फिल्म को फ़ायदा मिलता है क्या, इस लोन से उभर पाते हैं मेकर्स, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। आप कितना वेट कर रहे हैं लाल सिंह चड्ढा का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए।